Bayview Park. सिडनी के जिस इलाके में हम रह रहे हैं उसका नाम है कनकॉर्ड। कनकॉर्ड की लिंक रोड पर हम रह रहे हैं। वहाँ करीब ही दरिया पारामत्ता तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर बहता है पारामत्ता। तो उस दरिया में से बहुत से पानी ज़मीन के अंदर जगह जगह घुस आया है। अगर आप नक्शे पर सिडनी के अंदर दरियाए पारामत्ता देखें तो आप हैरान होंगे कि वो किस कदर खूबसूरत खलीजें बना रहा है शहर के अंदर, जिनमें से एक ये है व्यू पारामत्ता। ये इसको भी हम बे व्यू पार्क कहते हैं। बे व्यू पार्क में इस वक्त मैं बैठा हूँ और ये बे व्यू पार्क है। बेव्यू पार्क कनकॉर्ड। शाम होने वाली है, सपहर का वक्त है। जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, ब्रिज तो नहीं है, बस गोदी कह लें, वो पानी से हिल रही है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कश्ती पानी में डूबती है, ऐसे ही ये ब्रिज नुमा गोदी जो है ये हिल रही है। पीछे मेरे बे व्यू पार्क है। ये सारा हाय, थैंक यू, फाइन। मछलियां पकड़ने के शौकीन आ रहे हैं। Hi. How are you? Yeah, good. Fine? Yeah. Good. लीजिए, बे व्यू पार्क में नमाज अदा की जा रही है, नमाज असर।
बेव्यू पार्क का एक और मंजर, ये अब मैं रैंप के दूसरी तरफ आ गया हूँ। ये नहाने के लिए जगह बनाई हुई है, ऊपर जहाज भी एक जा रहा है, नजर आ रहा हो शायद आपको। ये खातून है, होगी कोई 65-70 बरस की, यह नहा रही है। ये उसका मंजर है और ये बेव्यू पार्क है। औरत है 70 बरस की, ये स्विमिंग है, ये बना हुआ है ना एहाता सा, कि भाई इसके अंदर महफूज है, यानी आप कहीं नहीं जा सकते, यानी एरिया इस तरह का होगा कि जिसमें आदमी डूब नहीं सकता। पैरामटा जिससे पैराग्राफ होता है ना, हाँ पैरामटा की एक शाख अंदर घुस आई है, और इस तरह की कोई बेशुमार है तकरीबन। मैंने कहा इसको मैंने बिल्कुल ही कभी इस्तेमाल नहीं किया,